हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको, जो एग्जाम चल रहा है एसएससी सीएचएसएल 2018 का, जो ये 11 मार्च के एग्जाम हुआ है, ये उसके कुछ क्वेश्चन है जीके के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किसने किया है, सॉरी उसकी खोज किसने की है? उसकी खोज की थी अल्फर्ट नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन इज किसान डे सेलिब्रेटेड? जो किसान डे है वो कब मनाया जाता है? किसान डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जी एस टी ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट? जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन सा जी एस टी ऐप लॉन्च किया गया है रिसेंटली? वो किया गया है जी एस टी रेट फाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम? जो मोमेंटम है उसकी एस आई यूनिट क्या होती है? उसकी एस आई यूनिट होती है kg m² सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? मैंने ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? उसमें होती है अप्रोक्सीमेटली 639। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 639। कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अप्रोक्स इतनी होती है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड हाइएस्ट पीक? जो सबसे बड़ी पीक है, मतलब उस जो सेकेंड सेकेंड हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन फ्लैग ऑफ बांग्लादेश? मैंने दोस्तों आपको बताया था, अभी क्वेश्चन जो है सिमिलर आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश के कुछ दिन पहले और कुछ पूछा गया था, और अभी आज पूछा गया है कि फ्लैग के बारे में पूछा गया था पर कुछ दिन पहले, और अब उसका ये डिज़ाइन पूछा गया है। पहले डायमेंशन पूछा गया था उसका, जो डायमेंशन वो कितना होता है, अभी पूछा गया उसके डिज़ाइन के बारे में, किसने मतलब उसका डिज़ाइन किसने बनाया। हु डिज़ाइन फ्लैग ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश जो भी इंडिया के रिलेटेड सिटीज़ हैं उनसे जो भी कंट्रीज रिलेटेड आसपास की कंट्रीज़ हैं जो भी मिलती हैं उनको आप सबको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए उनके बारे में, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनके सबके बारे में पढ़ लीजिए। कितना एरिया है, उनका फ्लैग कौन सा है, फ्लैग का साइज़ क्या है, और फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और भी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोमरल हसन। कोमरल हसन ने क्या क्या है, फ्लैग डिजाइन किया बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वेग फॉर मैन और वुमैन इन विच कंट्री? तो सेम वेग है मैन और वुमैन के लिए, वो कौन सी कंट्री में होता है? होता है आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना ड्यूरेशन? तो ये प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन है 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जो रबर कप है वो किसे किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? वो करता है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? जो डांडिया डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है गुजरात से। दोस्तों ये गुजरात से करता है और राजस्थान में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा? जो फर्स्ट फीमेल स्पीकर है, एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन ये था, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये क्वेश्चन था मैंने, लेकिन ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर ये भी आए तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पढ़ते हैं, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा ये कौन थी? ये थी मीरा कुमार। और हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जी वी मावलंकर मतलब। तो पहले लोकसभा में इनमें ये थे, और फीमेल में ये थे मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उपज करने मतलब चावल की उपज करने खेती करने वाला स्टेट है वो कौन सा है? वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ी और सबसे लंबे नर्व कौन सी होती है? वो होती है स्केटिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द EDS स्कीम हैज़ बिन लॉन्च अंडर NDP ऑन January 1927 एट? ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर MST इंटरनेशनल वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एक्टिवेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? जो ये है वो कहाँ पर है? वो है मॉन्ट्रियल, जो कि पड़ता है कनाडा में। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, जो भी मिल रहे हैं मतलब मैं सारे कलेक्ट करके डाल रहा हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।